शॉर्ट न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे पास कहलाएगा लूज। आज हम बात करने जा रहे हैं 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 के, हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे 3, सिलेक्शन, सीक्वेंस और लूप। आज हम अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे लूप्स क्या होते हैं और लूप्स कितनी टाइप्स होती हैं, लूप को इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो वो देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। लूप क्या होता है, लूप की डेफिनेशन क्या है, लूप की डेफिनेशन क्या है। लूप इज यूज टू रिपीटिंग अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ये एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है, कौन सा वाला, रिपीटिंग करने वाला, आपको फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स और अनटिल अ सर्टेन या सर्टेन क्राइटेरियन सैटिस्फाइड। जब तक हमारी कोई जो स्टेटमेंट है या हमारे पास जो कुछ कंडीशन है वो तो फुलफिल नहीं हो जाती, तब तक हम इस लूप का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट लूप है, सॉरी ये बहुत ही बेस्ट टॉपिक है। और अगर हमें पता हो कि हमने एक ऐसी वैल्यू जिसमें वैल्यूज को रिपीट करवाना है, जब भी आपने ऐसा काम करना हो जिसमें वैल्यूज की रेपिटेशन हो, मतलब हमने वैल्यूज को बार बार रिपीट करवाना है, तो बार बार रिपीट करवाने के लिए क्या होगा, हमें नहीं पता चलेगा हमें क्या करना है। तो जब आपने वैल्यूज को रिपीट करवाना है तो अपने ज़हन में हमेशा याद रखना वहां पर जो हम कंसेप्ट यूज करेंगे वो लूप का करेंगे, क्योंकि लूप ही वो कंसेप्ट है, लूप ही वो एक ऐसी चीज है जो वैल्यूज की या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार 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 क्या करता है, रिपीट करवाता है। तो ये थी लूप की डेफिनेशन जो कि आपने इतनी ही याद करनी है। फिर हम बात करेंगे एक टाइप्स ऑफ लूप। आपकी बुक में जो टाइप्स लिखी हुई है वो तीन टाइप्स हैं जिसमें हम एक टाइप पे बात करेंगे, लेकिन तीनों टाइप के नाम के बारे में आपको पता होना जरूरी है। वो जो तीन टाइप्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दी है। सबसे पहले आता है फॉर नेक्स्ट लूप, जो जो कि लूप की टाइप है। फिर सेकंड में आता है हमारे पास व्हाइल व्हेन लूप, ये हमारे पास सेकंड टाइप है। फिर हमारे पास थर्ड आता है नेस्टेड लूप। तो एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप, देखिए एमसीक्यूज में लिखा होता है 1, 2, 3, 4, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लूप्स की आपकी बुक में तीन ही टाइप्स है, तो आपने हमेशा 3 पे टिक करना है। अच्छा, उसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे फॉर नेक्स्ट लूप के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही अच्छा लूप है। कैसे, कि जब हमें पता हो कि हमने एक स्टेटमेंट को कितने टाइम्स रिपीट करवाना है, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि हम फॉर नेक्स्ट लूप का इस्तेमाल करें। मसलन मैंने एक वैल्यू को 10 दफा रिपीट करवाना है, तो मैं कौन सा लूप यूज करूंगा, फॉर नेक्स्ट का। मैंने एक वैल्यू को 20 दफा रिपीट करवाना है, 1 से 40 तक, मैं कौन सा लूप यूज करूंगा, फॉर नेक्स्ट। मैंने एक वैल्यू को 1 से 30 तक रिपीट करवाना है, मैं कौन सा लूप यूज करूंगा, फॉर नेक्स्ट लूप। बड़ा ही अच्छा लूप है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन इट इज नॉट इज इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स अ लूप मस्ट बी रिपीटेड, द फॉर नेक्स्ट लूप इज मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। अगर आपको ये पता हो कि आपने एक वैल्यू को या स्टेटमेंट्स को कितनी दफा चलाना है, तो उसके लिए जो इफेक्टिव हमारे पास ऑप्शन है वो फॉर नेक्स्ट लूप ही है। तो मैंने आपको भी बताया, अगर आपने एक वैल्यू को 1 से 20 तक करवाना है, तो हमें पता है वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 के बाद 2, 3, 4, 5 कहाँ तक जाएगा, 40 तक, मैं फॉर लूप का यूज करूंगा। 30 तक करवाना है, 1 to 30, 40, 1 to 40, 1 to 50, इस तरह आपको सोचने चलता जाएगा। तो उसके बाद हमें इसका सिंटैक्स देखना है, फॉर लूप का सिंटैक्स आपने हमेशा याद रखना है। सिंटैक्स बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स को, जो लिख दिया उसी के मुताबिक काम करेंगे। अब फॉर इसका सिंटैक्स है फॉर वेरिएबल इक्वल टू एक्स टू वाई। एक्स हमारे पास यहाँ पर एज अ स्टार्टिंग पॉइंट काम करेगा, टू वाई वाई तक जाना है, तो यहाँ पर वाई एंडिंग पॉइंट काम करेगा। बस सर, आपने घर से अकेडमी जाना है, घर से निकलना और अकेडमी पहुंचना, घर से निकलना एक्स है, अकेडमी में पहुंचना वाई है। इसी तरह आपने 1 से 20 तक जाना है,
जाना है, काउंटिंग नंबर में 1 से 20 तक जाना है, 1 आपका x है और 20 आपके पास y है। तो जब किसी चीज तरफ जाया जाता है तो हमेशा हम वहां पर टू का यूज करते हैं। तो यहां लिखेंगे फॉर वेरिएबल, वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने कॉलिंग करवानी है। अभी आपको बताऊंगा x टू y, x से y तक जाना है, स्टेप 2 से क्या मुराद है। अगर आपने नंबर के अंदर गैप दे दिया, मसलन मैंने कहा 1 से 20 तक जाना है, तो 1 से 20 तक जाने से भी मेरे पास नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, चलते जाएंगे 20 तक। लेकिन मैं कहता हूं 1 के बाद 3 आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, 1 के बाद 3 5 7 9 11 ये नंबर आने चाहिए। तो जब भी इस तरह का काम करना हो, हमने नंबर के गैप देने हो, तो वहां पर हम स्टेप 2 का इस्तेमाल करते हैं। मैं कहता हूं यार 3 नंबर के गैप होना चाहिए, 2 का नहीं, मतलब 1 के बाद 4 होना चाहिए, फिर 8 होना चाहिए, सॉरी 7 होना चाहिए, फिर 10 होना चाहिए, फिर 13 होना चाहिए, फिर 16 साल के तौर पर। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने 1 के बाद 3 के बाद 6 के बाद 9 के बाद 12 के बाद 15, इस तरह एपिसोड चलते जाएगा। अब यहां पर मेरे पास जो गैप है वो 3 नंबर का आ रहा है, तो यहां पर पहले जो मैं स्टेप 3, मैं कहता हूं यार 5 नंबर के गैप होना चाहिए, 5 10 15 20, एपिसोड चलते जाए, तो बाकी चीज वही रहेगी जहां तक आपने जाना है, लेकिन आपने यहां पे स्टेप 5 लिख देना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था, इसको आपने याद रखना है हमेशा। अब एक एग्जांपल आपकी बुक में लिखी हुई है कि लेट अस कंसीडर अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द सम ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमने ये वाली सीरीज को क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। अब आपको मैंने अभी बताया कि अगर आपने 1 2 3 जाना हो, 1 किसी नंबर में गैप ना हो, तो स्टेप 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब 2 के बाद 4 आ गया, इसमें एक नंबर में गैप आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, स्टेप 2 का यूज करूंगा, कैसे देखो देखते हैं। अब सीरीज प्रिंट करवा लिया हमने 0 4 6, मतलब हर नंबर में 2 2 का गैप है। x हमारे पास यहां काम कर रहा है 2 का, और y हमारे पास काम कर रहा है 100। मसलन मैंने भी आपको एग्जांपल दी, घर से एकेडमी जाना है, घर से स्कूल, घर से निकलना है, x वहां पहुंचना है y। अब स्टार्टिंग पॉइंट मुझे बता दिया है 2 है और एंडिंग है 100, इसलिए मुझे पता है कि मैं लूप कितनी टाइम से रिपीट कर रहा हूं। तो आपको मैंने बताया था कौन सा लूप यूज करेंगे, फॉर लूप। शाबाश, बहुत ही अच्छी बच्ची है। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करेंगे 9 नंबर में। 9 नंबर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मोड के अंदर जब हमने स्टेटमेंट्स दे दिए होते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट मोड में यूज करते हैं। यहां हमने 9 नंबर 10 पे कह दिया n इज इक्वल टू 0। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से स्टार्ट करें और उसमें कोई भी नंबर ऐड करें तो हमेशा वही आता है। मसलन मैं लिखता हूं 0 प्लस 2 तो इसके बराबर होगा 2 का। तो ये हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक वैल्यू होती है जिसको हम 0 से स्टार्ट करवाते हैं। अच्छा, फिर 20 में लिखा वाला है, नंबर 20 में मैंने फॉर लूप का यूज किया। मैंने कहा फॉर सिंटैक्स के मुताबिक, फॉर वेरिएबल मैंने यहां पर कॉल करवा दिया आई। मैंने बताया था वेरिएबल के बारे में, तो वेरिएबल मैंने यहां पे कह दिया आई। वेरिएबल मेरे पास आई आ गया, इक्वल टू का साइन आ गया। एक्स मुझे पता है मैंने 2 से स्टार्ट करना है, 2 जाना कहां तक है वाई तक, वाई भी मुझे पता है क्या हुआ है 100, तो मैंने लिख दिया एक्स टू वाई यानी कि 2 2 100। स्टेप 2 से क्यों है, स्टेप 2 क्यों लिखा, इसके लिखा क्योंकि मैंने हर नंबर में कितने नंबर का गैप रखना है, 2 2 नंबर का गैप रखना है। अच्छा, फिर मैंने लिख दिया, अब सीरीज प्रिंट करवाने से मुराद क्या है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ये आ जाएगा, ये 2 4 6 8 10 12 चलता जाएगा कहां तक, 100 तक। तो इसके लिए तो मुझे पास तो कोई ऐसी चीज का होना जरूरी है कि जो इन वैल्यूज को आपस में क्या करे, प्लस करे, एडिशन करता जाए हर दफा। तो मैंने क्या कर पहले दिया एन, जो कि हमारे पास 0 से होगा 0, एन हमारे पास 0 प्लस आई कह दिया। आई हमारे पास कहां से जा रहे हैं, 2 200 जा रहे हैं। बस मैं आई हमारे पास यहां से मूव करेगा 2 4 6 8 10 12 चलता जाएगा कहां तक, 100 तक। अच्छा, तो फिर मैं कह देता हूं एन 0 में प्लस आई कर दो, आई कहां से स्टार्ट कर 2 से, तो 0 प्लस 2 2, तो यहां से सीरीज हमारी क्या हो जाएगी स्टार्ट।
अच्छा फिर मैंने क्या दिया नेक्स्ट आई सिंटैक्स में मैंने लिखा हुआ है फॉर वेरिएबल x को y तक जाओ फिर लिखा हुआ है स्टेटमेंट स्टेटमेंट मैंने ये लिया बेसिकली हमारे पास यहां पे आता स्टेटमेंट काम कर रही है क्या काम कर रही है स्टेटमेंट काम कर रही है स्टेटमेंट लिख दी फिर मैंने कह दिया नेक्स्ट वेरिएबल वेरिएबल क्या है कि 2 के बाद मुझे फॉर भी तो चाहिए तो मैं इसी i को मैं नेक्स्ट पे रख दूंगा क्योंकि 2 जब आएगा 2 के बाद फॉर तो यहां पर 2 प्लस 2 होगा तो फॉर फिर वो दोबारा यहां आएगा नेक्स्ट i पे दोबारा जाएगा तो 4 के बाद 6 आएगा इस तरह ये सीरीज चलती जाएगी कब तक चलती जाएगी जब तक यहां पर 100 नहीं आ जाता फिर मैं कह दूंगा प्रिंट करवा लो और प्रिंट भी यूज कर दे ताकि स्क्रीन पर एरर डिस्प्ले करवाना होता है तो मैंने यहां लिख दिया सम ऑफ सीरीज इक्वल टू ये जो n यहां पर हमने यूज किया हुआ ये हमें बेसिकली ये चाहिए ना इसमें हम वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे और सॉरी वैल्यूज भी एडिशन करवाएंगे क्योंकि हर सीरीज के बाद क्या होता है नंबर्स को एडिशन करते हैं कैसे वो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया अच्छा उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को एंड करवा दूंगा अच्छा अगर मैं कहता हूं यार मैंने भी आपको बताया कि सीरीज ऐसे बीच में मानी हो 1 3 5 7 9 आप क्या करेंगे सपोज मेरा नाम आपने जाना है 99 तक आप क्या करेंगे यही लिखना आपने जब अगर आप 2 से स्टार्ट करवाना 2 4 2 2 नंबर गैप तो मैंने यहां लिख दिया 2 200 अगर मैंने 1 से स्टार्ट करवाना तो मैं यहां लिख दूंगा 1 2 99 1 2 99 ये एज इट इज रहेगा ये भी एज इट इज रहेगा ये भी एज इट इज रहेगा तो इस तरह ये मेरे पास जो आउटपुट आ जाएगी वो इस तरह आएगी